सावन माह भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए खास होता है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से काल सर्प दोषों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही नाग पंचमी के दिन शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, नागों का श्रृंगार किया जाता है। जागेश्वर मंदिर में भी नागों का श्रृंगार किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए क्या करना शुभ होता है और नागों का श्रृंगार अब क्यों बंद होता जा रहा है। आज नाग पंचमी का दिन है, नाग देवताओं की पूजा की जाती है। कानपुर में खेरेपत धाम पर नागों का श्रृंगार होता है। नाग पंचमी की क्या विशेषताएं होती हैं जानने के लिए हमारे साथ पंडित जी। क्या नाम है पंडित जी? जी प्रकाश द्विवेदी नाम है और हम लोग इस समय बाबा जागेश्वर धाम में खड़े हैं। खेरेश्वर धाम नहीं है, जागेश्वर धाम है। इस जागेश्वर धाम में बहुत सालों से सांपों का श्रृंगार पहले यहाँ होता था, लेकिन जैसे जैसे सरकारें आई, जागरूक हुई, लोगों को जागरूक किया गया कि सांपों को जंगल से पकड़ के ला के लोग यहाँ पहले करते थे, जो भविष्य में जैसे चलता चला आ रहा था, लेकिन सरकारों ने उन सब चीज़ों पे पाबंदी लगाकर अन्य जीवों को परेशान ना होना पड़े इसलिए उन सब चीज़ों को यहाँ से हटा दिया। नहीं तो यहाँ पर कई सालों से नागों का श्रृंगार होता ही चला आ रहा था। यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर नागों का श्रृंगार होता था, लेकिन अब कई सालों से जो है ये सब चीज़ें बंद हैं। अब यहाँ पर नाग पंचमी के दिन जैसे कि नागों की पूजा की जाती है तो लोग उनको कभी कभी दूध भी पिलाते हैं ऐसे पर्व पर, और शिव जी की पूजा करने से नाग पंचमी के दिन रुद्राभिषेक पूजन अनुष्ठान करने से, धार्मिक कर्म करने से बहुत ही शुभ की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है कि ये साल में एक ही बार पर्व आता है। विशेषता क्या होती है? विशेषता ये है कि यहाँ पर नाग पंचमी वाले दिन नागों की पूजा ही बताई गई, जिसको कालसर्प योग है, कालसर्प दोष निवारण के लिए भगवान, जैसे कि कहा जाता है कि जब कुंडली में लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली या वर्ष कुंडली में कोई दोष आ जाता है तो कहा जाता है उसमें नागों की जो पूजा होती है उसको कहते हैं कालसर्प योग। तो कालसर्प योग जिन कुंडलियों में बन जाता है उसमें नागों की पूजा की जाती है। तो अब वो सांप मिल न पाने की वजह से लोग रजत यानी चांदी के सांप नाग नागिन के जोड़े बनवा के भगवान शिव के पास रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका रुद्राभिषेक कराते हैं, जिसको करने से उनके ऊपर जो दोष लगा होता है, जो कुंडली में दोष होता है, वो शांत हो जाता है और शिव जी के साथ में रहने के साथ सर्प जो है शिव जी के साथ आभूषण है इसलिए उनके साथ में उनकी पूजा की जाती है। तो शिव जी के साथ में अगर किसी गुरु के साथ अगर किसी की पूजा की जाए तो वो दुगुना फल मिलता है। और आज के दिन बहुत ही बड़ा ये पर्व है, इतना बड़ा पर्व है कि साल में एक ही बार नाग पंचमी की पूजा की जाती है इसलिए नाग पंचमी गुड़िया कहा जाता है। गुड़िया का उत्सव ये होता है, यहाँ से जो है त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है। आज के बाद से त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है, घर में जो है उत्सव मनने लगते हैं, लोग आने जाने लगते हैं, अपने घर गाँव सब आने जाने लगते हैं, मंदिरों में भीड़ भाड़ ज़्यादातर यहाँ से शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ये ढलता जाएगा त्यौहार अपने अपने आप जो है आते रहते हैं। यहाँ पर ब्राह्मणों के साथ अगर पूजन या अभिषेक अनुष्ठान कराते हैं तो उसका फल दूना मिलता है। अगर मान लिया हम नहीं ब्राह्मणों को बुला के करा पाते हैं तो अपने हाथ से ही दूध में काला तिल डालकर सर्पों के ऊपर चढ़ाकर या शिव जी के मंदिर में जाकर अगर समर्पित करते हैं तो उसका फल हमको डबल और दूना मिलता है। तो विशेष तरीके के पर्व कहा गया है नाग पंचमी, सावन महीना चल रहा है, नाग पंचमी के दिन विशेषकर जैसे कि पंडित जी ने भी बताया कि इनको काल सर्प दोष होता है, उनकी विशेष पूजा होती है, साथ में आप भी नाग का पूजा कर सकते हैं और फल जो है वो प्राप्त होता है शिव जी की पूजा अर्चना करने से, नाग देवता की पूजा अर्चना करने से। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।